वो मैं बता देता हूँ, इसका दो पार्ट में सोचेंगे। एक तो है न्यूमेरेटर का कंडीशन, तो न्यूमेरेटर के लिए एक स्क्वायर माइनस फोर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब इसमें सिर्फ नेगेटिव नहीं होगा, तो यानी कि इसको फैक्टराइज कर देंगे तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस टू, ये एक रिजल्ट हुआ रिलेटिंग टू न्यूमेरेटर। एंड रिलेटिंग टू डिनोमिनेटर, रिलेटिंग टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, तो वो रूट में नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन नॉट इक्वल टू जीरो, अब सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हम x का जो प्लस माइनस थ्री होने का चांस है उसको एक्सक्लूड करूँगा। तो अब हमारे पास दो रिजल्ट आ गया, एक ये रिजल्ट का रेंज, दूसरा ये रिजल्ट का रेंज, तो ये दोनों रेंज को में से हमको ऐसा एक ही कॉमन वैल्यू लेना है जिससे कि हमारा न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेटिस्फाई हो। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो कॉमन एक्स को ढूंढने का सबसे बेहतर तरीका है कि नंबर लाइन सिस्टम, स्कूल में पढ़ा हुआ होगा, नंबर लाइन सिस्टम में जाएंगे। तो नंबर लाइन सिस्टम में जाके पहले सभी जो क्रिटिकल वैल्यूज आया, मतलब सॉल्यूशन जिस पॉइंट से रिलेटेड है उसको मार्क करेंगे। तो सबसे छोटा माइनस थ्री, उसके बाद माइनस टू, फिर प्लस टू, प्लस थ्री, ठीक है ना। अब पहला वाला कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू, मतलब माइनस टू को इंक्लूड करते हुए इसलिए थर्ड ब्रैकेट में साइन को दिखा रहे हैं, और प्लस टू को इंक्लूड करते हुए ग्रेटर देन प्लस टू अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये न्यूमेरेटर से रिलेटेड एक्स का रेंज है। और डिनोमिनेटर कह रहा है कि एक्स कैन बी एवरीथिंग एक्सेप्ट प्लस थ्री एंड माइनस थ्री, यही ना। तो डिनोमिनेटर का मतलब है नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस थ्री ओपन, माइनस थ्री से प्लस थ्री ओपन, और प्लस थ्री से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यही ना है। वो सिर्फ माइनस थ्री और प्लस थ्री को एक्सक्लूड कर रहा है, बाकी सभी को तो इंक्लूड कर ही रहा है डिनोमिनेटर। अब मेरे को देखना है कि ये जो रेंज ऑफ एक्स है टू सेटिस्फाई न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें से ये न्यूमेरेटर का जो लाइन को, यानी जो पॉसिबल एक्स सेटिस्फाई कर रहा न्यूमेरेटर को एंड पॉसिबल एक्स सेटिस्फाइंग डिनोमिनेटर, इसमें कॉमन पोर्शन दोनों में कहाँ है, यानी वो एक्स न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, तभी तो ओवरऑल फंक्शन सेटिस्फाई होगा ना। तो कॉमन पोर्शन क्या देखेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस थ्री ओपन, माइनस थ्री से माइनस टू क्लोज्ड, उसके बाद नहीं है, फिर प्लस टू दोनों में है क्लोज्ड, प्लस टू से प्लस थ्री, फिर प्लस थ्री से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यानी कि हमारा रेंज ऑफ एक्स हो गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन, माइनस थ्री ओपन से माइनस टू क्लोज्ड यूनियन, क्लोज्ड टू से प्लस थ्री ओपन यूनियन, प्लस थ्री से पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर हुआ। अनदर वेरिएशन सिक्स में अब मैं पूरा को रूट में लूंगा, जैसे एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, ये मान लो पूरा अब रूट में है। अब इसको क्या करूंगा, हाँ दोनों नहीं, अब ऐसा है कि x माइनस टू खुद नेगेटिव, x माइनस थ्री खुद नेगेटिव, नेगेटिव बाई नेगेटिव तो पॉजिटिव हो ही सकता है। मान लो मैं x का ऐसा वैल्यू बैठा ऊपर प्लस वन बैठाया मान लो, तो प्लस वन माइनस टू माइनस वन, और ये प्लस वन माइनस थ्री माइनस टू, तो माइनस वन बाई माइनस टू इज प्लस वन बाई टू, बात समझ रहे हो। तो कॉन्सेप्ट है कि मेरे को ओवरऑल, चूंकि अब रूट पूरे पे है, अब हमारा आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, कई आर्गुमेंट होगा, पहला होना चाहिए कि ओवरऑल x माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, ये पूरा चूंकि रूट के अंदर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एक बात है, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअली x माइनस टू, चूंकि
दोनों पूरा रूट के अंदर है, तो इसलिए मैं इंडिविजुअली x माइनस टू को नेगेटिव और x माइनस थ्री पर नेगेटिव पर बात करके फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा अब तुम कहोगे कि सर तो ऐसा हो सकता है कि x माइनस टू कहीं, जैसे मान लो x माइनस टू नेगेटिव या कभी न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया डिनोमिनेटर नेगेटिव, ऐसा तो हो ही सकता है। जैसे 2.5 बैठाया, 2.5 माइनस टू पॉजिटिव लेकिन 2.5 माइनस थ्री नेगेटिव, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसीलिए मेरे को ओवरऑल को पॉजिटिव, उसमें मेरा सभी बात एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा ये है कि अब सवाल है कि एक ओवरऑल एक्सप्रेशन को अगर मेरे को ओवरऑल एक्सप्रेशन को ये करना है, अच्छा मैं पूरा को जब पॉजिटिव कह रहा हूँ, पूरा को जीरो और पॉजिटिव, तो जीरो का मतलब है सिर्फ एक्स माइनस टू जीरो हो सकता है, यानी कि सेकेंड पॉइंट मैं एक्स माइनस थ्री को जीरो नहीं ले सकता हूँ, इसको भी दिमाग में रखना है, क्योंकि मैं अगर x माइनस थ्री को जीरो ले लिया तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा डिनोमिनेटर। थर्ड पॉइंट, अच्छा अब सवाल है इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, जब ये इससे तो मेरे को समझ में आया कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x कांट बी टेकन प्लस थ्री, लेकिन जब मैं x माइनस टू बाई x माइनस थ्री का ग्रेटर देन जीरो वाला ऑप्शन पे बात करूंगा, उसका दो रिजल्ट है, एक ग्रेटर देन जीरो एक इक्वल टू जीरो। जस्ट मिनट मी, अच्छा ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा कि नहीं बात, अब इसका दो पॉसिबिलिटी, तो पहला पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं कि ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या है। देखो जब कोई एक्सप्रेशन न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है, दिस इम्प्लाइज दैट इफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर पॉजिटिव, इसका दो पॉसिबिलिटी होता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, पहला है कि पॉजिटिव बाई पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, और नेगेटिव बाई नेगेटिव ये भी ग्रेटर देन जीरो होता है कि नहीं। अब मान लो अगर मैं ये दोनों पॉसिबिलिटी पे बात करूँ, तो हमको पहले इसको न्यूमरेटर को पॉजिटिव रखने के लिए रेंज ऑफ एक्स सोचना होगा, फिर साथ ही साथ डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव का रेंज, मतलब चार रेंज पर अलग अलग बात करना पड़ेगा, है ना। तो इस पॉसिबिलिटी का मतलब क्या, दोनों पर एक साथ बात करना पड़ेगा, इस पर भी दोनों पर एक साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से डिस्कस करने के बजाय हम लोग लिखेंगे कि व्हेन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, चाहे सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जीरो में ही नहीं, जब कभी हमारा आर्गुमेंट आएगा ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, मतलब मैं दोनों का कंडीशन एक साथ बता दे रहा हूँ। ये इस क्वेश्चन में तो ग्रेटर देन जीरो का आर्गुमेंट है, कहीं मान लो मेरे को मैथमेटिकली कहीं सॉल्व करने के लिए मिला कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लेस देन जीरो, तब क्या करेंगे, तब भी तो उस तरह का बात होगा। ये अगर लेस देन जीरो होगा तो बात क्या होगा, पॉजिटिव बाई नेगेटिव और नेगेटिव बाई पॉजिटिव, फिर से मेरे को चार इन इक्वेशन का बात है। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों में ही जब कभी किसी भी पूरा मैथमेटिक्स में कहीं भी हमको सॉल्व करने का मौका मिले कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, तब हमको ये दो पॉसिबिलिटी पर ना जाकर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर से ही ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई कर दूँ। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, सिंस स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर इज 100% पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, वो तो ये खुद भी अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इससे मेरे को डिनोमिनेटर का साइन कन्वेंशन पर और बात ही नहीं करना पड़ेगा। अब जो न्यूली फॉर्म्ड न्यूमरेटर है, दैट इज न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होने पर बात करने से हो जाएगा,
जहाँ ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो वहाँ ये ग्रेटर देन जीरो, जहाँ ये साइन लेस देन जीरो होगा तो ये प्रोडक्ट लेस देन जीरो। तो मेरा एक इनइक्वेशन सॉल्व करके इसका आंसर बन जाएगा, मेरे को दो पॉसिबिलिटी पर अलग अलग बात करना नहीं पड़ेगा। दिस इज द ट्रिक ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी विथ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर टर्म। हाँ, मैं एक जनरल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अब इसी का इस्तेमाल मैं इसको सॉल्व करने में करूँगा। ठीक है, अब मेरा आर्गुमेंट है कि सिंस x माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, इसको मेरे को पॉजिटिव पर बात करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी को x माइनस थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नहीं, रैशनलाइज दूसरा चीज़ है, रैशनलाइज तब है जब हम तुम्हारा क्या बोलते हैं a माइनस बी ए प्लस बी या वाइज वर्सा है, हाँ तब। हम तो डायरेक्ट इसको कर रहे हैं टू ब्रिंग परफेक्ट स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, ताकि डिनोमिनेटर का जो साइन कन्वेंशन होगा उसमें मेरे को बात करने का ज़रूरत ना पड़े। अगर मेरे को डिनोमिनेटर का साइन कन्वेंशन पे बात करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर का साइन कन्वेंशन पे बात कर सकता हूँ। तो अब ये स्टेप जैसे आया तो दिस डिनोमिनेटर इज़ डेफिनेटली अ परफेक्ट होल स्क्वायर, वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि द करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर दैट इज़ एक्स माइनस टू इन टू एक्स माइनस थ्री, सिर्फ ये पॉजिटिव होना चाहिए तभी ओवरऑल ये आर्गूमेंट सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग सीखे हैं कि जब कभी दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो क्या होना चाहिए, एक्स लेस देन द स्मॉलर वन और ग्रेटर देन द बिगर वन, प्रोवाइडेड दोनों लीनियर फैक्टर में एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव हो। तो सो है यहाँ, तो यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट एक्स लेस देन टू और एक्स ग्रेटर देन थ्री। तो यानी कि मैं यहाँ एक्स को अगर लेस देन टू बैठाऊँगा तो तुम देखो दोनों नेगेटिव आएगा, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 बैठाऊंगा तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ में आ गया? तो इससे मेरे को पता चल गया कि ये रूट के अंदर का एक्सप्रेशन को ओवरऑल पॉजिटिव बनाना है तो आई शुड टेक x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3। डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बना सकते इसीलिए 3 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन न्यूमरेटर चूंकि जीरो हो सकता है तो टू इंक्लूड होगा। ये तो हुआ जब ग्रेटर देन था, एंड यही एक्सप्रेशन जब इक्वल टू जीरो पर आर्गुमेंट होगा तब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक्स इक्वल टू टू। तो यानी कि ओवरऑल सेट ऑफ एक्स जो सेटिस्फाई कर रहा है वो लेस देन इक्वल टू टू, कारण टू इंक्लूड भी होगा बट ग्रेटर देन थ्री। यानी कि इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस टू क्लोज्ड यूनियन 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सॉरी प्लस टू, मैं गलती लिख दिया, प्लस टू, माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट?